नमस्ते, वेलकम टू माय बेबी माय वर्ल्ड। आजकल रागी जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ऑब्वियसली इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। लेकिन हर जगह पे आपको सिर्फ रागी का जो स्वीट वाला वर्जन है उसी का ही रेसिपी मिलेगा। लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा अलग एक रेसिपी रागी से बना हुआ, जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई है, वो है स्वीट एंड सावर रागी। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। और अगर आप परेशान हो कि बच्चे को क्या खिलाए, एक साल से पहले बच्चे को क्या क्या दे, तो सारे हेल्दी सा बेबी फूड रेसिपीज मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं स्वीट एंड सावर रागी। इसके लिए मैंने रागी फ्लोर लिया है। ये मैंने 24 मंत्रा का ऑर्गेनिक रागी फ्लोर यूज़ किया है इस रेसिपी में। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, आपके नियरेस्ट शॉप में अगर ये नहीं मिलता है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। आपको आप सभी को पता ही होगा कि 24 मंत्रा का हर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। और इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए 4 टेबलस्पून ऑफ बटर मिल्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ग्लास ऑफ वाटर, जीरा पाउडर 1 पिंच, 1 टेबलस्पून ऑफ जैगरी पाउडर एंड 1 पिंच ऑफ हींग। ये मैंने सनराइज का हींग यूज किया है इस रेसिपी में। तो सबसे पहले मैंने एक इंडक्शन के ऊपर एक सॉस पैन को मैंने चढ़ा दिया है। इसके ऊपर मैं अभी डालूंगी 2 ग्लास ऑफ वाटर, और इसको मैं एकदम पूरा बॉयल होने तक इसको रखूंगी। तो देखिए पानी एकदम गर्म हो चुका है, बबल आने लगे हैं। तो इस टाइम पे मैं अभी ऐड करूंगी रागी, और एक विस्कर की मदद से इमीडिएटली विस्क करना स्टार्ट कर दूंगी, नहीं तो रागी में लम्स बहुत क्विकली बन जाते हैं। और इसको मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी, जिससे ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये लीजिए, रागी में भी बबल आना चालू हो चुका है। तो अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको साइड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं बाकी जो इंग्रेडिएंट है उसको ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ बटर मिल्क, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रागी को आप नचनी भी बोल सकते हो, और ये जो रेसिपी है इसको मैंने नाम दिया है स्वीट एंड सावर रागी, आप इसको नचनी अम्बिल भी बोल सकते हो। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। तो उसके बाद मैं अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड पिंच ऑफ हींग, और अभी मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर 1 टेबलस्पून। सबको मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है, तो ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो एक कटोरी ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं इसको सर्व करूँगी, और इसको थोड़ा सा वार्म ही बच्चे को आप देना। तो लीजिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर मेरा रागी एकदम रेडी हो चुका है, जो है स्वीट एंड सावर रागी। तो रेसिपी कैसा लगा? इसमें बटर मिल्क मैंने डाला है, जो बच्चे के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आपको स्वीट वाला रागी पॉरिज देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लिंक डाल दूंगी। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो रेसिपी है। ये आप अपने 8 मंथ प्लस बेबी को इजीली दे सकते हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें स्वीट टेस्ट है, सावर टेस्ट है, तो उनको एक वैरायटी मिल जाएगी जो उनको बहुत पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आप घर पे जरूर बनाना, और कैसा लगा आपके बेबी को वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड क्या देखना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अगले दिन मैं फिर मिलूंगी और एक हेल्दी सा बेबी फूड रेसिपी के साथ। तब तक टाटा।